हेलो फ्रेंड्स, मैं धनेश कुमारी एंड वेलकम टू माय चैनल बी क्रिएटिव एंड एंजॉय प्रेजेंट लाइफ। हमें अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारे रोगों से लड़ती है, जैसे सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार, कैंसर इत्यादि। तो दोस्तों, हम पता कैसे लगाएंगे कि हमारी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है? कई लोगों को बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, सुबह उठते ही वो छींक मारना शुरू कर देते हैं। तो और कई लोगों को खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, ये सब बहुत जल्दी जल्दी होता है। वो साल में कम से कम 5-6 महीने तो बीमारी पड़े रहते हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि उनकी जो है इम्यूनिटी पावर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। और कई लोगों को क्या होता है, खुश नहीं रहते, मेंटल टेंशन रहती है और परेशान रहते हैं। तो इससे भी हमारी जो है इम्यूनिटी पावर कम होने का पता लगता है। अगर हमारी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है तो गले में, फेफड़ों में और छाती पे, लीवर में, इंटेस्टाइन में जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होगा, और ये भी हमारा बहुत बड़ा जो है इम्यूनिटी कमज़ोर होने का कारण है। दूसरा है वज़न बढ़ना। वज़न बढ़ने से क्या होता है, पता लगता है कि हमारी इम्यूनिटी पावर कहीं ना कहीं कमज़ोर है और हम जो है अंदर से काफ़ी वीक हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि हमारी जो इम्यूनिटी पावर होती कमज़ोर क्यों होती है। तो कमज़ोर होने का सबसे बड़ा कारण है आजकल जो हर चीज़ में प्रिजर्वेटिव्स आ रहे हैं, केमिकल्स डाल रहे हैं, फर्टिलाइज़र्स, खेतों में फर्टिलाइज़र्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, और हमारे खाने में भी इसकी वजह से पॉइज़न आ रहा है, और जो हमारी ये हवा है वो भी पॉल्यूटेड है, उससे भी हमारे शरीर में पॉइज़न जा रहा है, जिससे कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर पड़ती है। और दूसरी चीज़ है कि लोग चाय, कॉफ़ी और तम्बाकू और अल्कोहल का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, इसकी वजह से जो है हमारी इम्यूनिटी वीक पड़ जाती है। कई लोग टीवी और मोबाइल के सामने बैठे रहते हैं, इससे रेडिएशन निकलता है और इससे भी हमारी इम्यूनिटी पर काफ़ी असर पड़ता है। और चौथी चीज़ है कि हमारे जो है खुश न रहना, मोनोटोनस लाइफ, लैक ऑफ एक्सरसाइज और हमें सारे टाइम ज़्यादा खाते रहना, ये भी हमारी इम्यूनिटी लो होने का बहुत बड़ा कारण है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारा शरीर 5 मूलभूत तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। तो जो है अगर इनमें से किसी भी चीज़ की अगर कमी होती है तो जो है हमारा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। तो हमें धूप भी चाहिए और हमें धरती से भी जुड़े रहना है। जैसे आजकल लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं चूहों के जैसे, तो वो भी है कि हमें धरती से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ है कि हमारा खाना, जो खाना खा रहे हैं जिससे अग्नि पैदा होती है, वो अग्नि पैदा होना भी ज़रूरी है। हमें धूप लेना भी ज़रूरी है और ताज़ी हवा लेना भी ज़रूरी है। तो इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। हाँ, तो दोस्तों, मैं आपसे बताऊंगी कि हमें जो है इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। तो सबसे पहले जो है अल्कलाइन फूड आता है, जो कि हमारी इम्यूनिटी पावर को बहुत बूस्ट करता है। इसमें आते हैं कच्चे साग सब्जियाँ, फल फ्रूट वगैरह। और दूसरा है एसिडिक फूड। इसके साथ में एसिडिक फूड हमें नहीं खाना चाहिए, जैसे तली भुनी चीज़ें हो गई, जैम हो गया, बर्गर, पिज़्ज़ा, और जो है मैदे से बनी चीज़ें, मिर्च मसाले, ये सब हमारी इम्यूनिटी पावर को लो करते हैं। और जो स्पेसिफिक फूड है जो हमें खाना चाहिए वो है जैसे मशरूम WBC को बढ़ाता है, चुकंदर जो है हमारा खून बढ़ाता है, RBCs को बढ़ाता है, और दूध, दही, आंवले का सेवन कर सकते हैं हम लोग। और जो अमृत है आजकल के टाइम में वो है हमारी वीट ग्रास और जो है गिलोय। गिलोय जो है स्पेशली हमारी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करती है, इससे हमारी बहुत जल्दी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। पानी ज़्यादा पीना है हमें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, और जो है हमें टमाटर का जो है सेवन करना है, जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। तो दोस्तों, इम्यूनिटी पावर बूस्ट करने के लिए एक्सरसाइज करें, खुश रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सोएं और प्राणायाम करना ना भूलें। और मेरे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसे दबाना ना भूलें। थैंक यू।